नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, एलडीसी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर शिक्षा विभाग में जॉइनिंग आदेश कब जारी होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा विभाग में जॉइनिंग आदेश को लेकर वह उस 587 पद है उनको जो कल सुनवाई थी उनको लेकर। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले अगर इस चैनल पर आप हमारे नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा आपको पल पल की एलडीसी की सारी अपडेट दी जाती है और 587 पदों और बैकलॉग व एलडीसी को लेकर हमारे चैनल ने जितना आपका सहयोग किया है और आपकी जितनी मांग रखी है और जितना राजस्थान सरकार को हमने बताने की कोशिश की है कि ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 2018 के हैं, इन्होंने लगातार ट्वीट कर लिया, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इनको जॉइनिंग। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि सेकंड ग्रेड जो भी वर्तमान में जितनी भी पोस्ट हैं उनमें सबसे पहले एलडीसी को जॉइनिंग मिलेगी और जॉइनिंग भी आपको जून के पहले सप्ताह में कन्फर्म मिलेगी, जो हमारी टीम ने जानकारी प्राप्त की है। अब चलते हैं खबर की ओर। ये देख सकते हो आप, शिक्षा मंत्री महोदय जी एलडीसी भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों का जो शिक्षा मंत्री जी को इन्होंने उपेंद्र यादव ने कल ट्वीट किया था, और लगातार आपकी कोशिश चल रही है और जल्द ही आपको जिला आवंटन हो जाएगा आपका चयनित अभ्यर्थियों का वरिष्ठ अध्यापक। इनमें सारा कार्य संपूर्ण है, केवल आपके दिशा निर्देशों की जरूरत है जिससे नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाएं। अब यह देख सकते हो कि सरकारी विद्यालय को मिलेंगे 5,967 एलडीसी शिक्षा विभाग में 7,000 पद। दोस्तों, लगातार मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मीडिया लगातार कवरेज ले रहा है। 12,000 पदों में लगभग 6,000 के करीब शिक्षा विभाग को मिलेंगे। और उप निदेशक प्रशासन ने सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से अपने संबंधित जिलों के कार्यालय और स्कूल में कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। वहीं राज्य के ग्राम पंचायतों के स्कूलों के पीओ निरंतर अपने एलडीसी रिक्त पद बनने की मांग कर रहे हैं। इधर स्कूल विभाग मांग रहा है, इधर जितने भी पीओ है, पीओ के लिए भी एलडीसी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो भी लगातार मांग करें। इन भर्ती में कुछ पद टीएसपी के हैं, नॉन टीएसपी हैं। वे शाला दर्पण पोर्टल के मुताबिक विभाग में कनिष्ठ सहायकों के 7,000 पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, जो शिक्षा विभाग ने जो मांगी है कि कहां कहां पोस्ट खाली है, वो सारा शाला दर्पण में पहले से दिया गया है, इसमें कोई समय लगने वाला नहीं है, ये मात्र 1-2 घंटे की फॉर्मेलिटी है। और जैसे आदेश जारी होते हैं आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, स्कूलों में मिल जाएंगे ये पद लगातार, ये आप देख सकते हो। शिक्षा विभाग को छोड़कर बाकी सब विभागों के आदेश जारी हो गए हैं। आरपीसी चयनित होने के बाद एलडीसी की नियुक्ति के लिए विभाग आवंटित कर दिए गए। सरकार की ओर से इंदिरा गांधी नेट मच्छिन में सीएडी को 66 एलडीसी दिए गए। दोनों विभागों को समय पर काउंसिलिंग करके उनको नियुक्ति करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसी के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मुख्य अभियंता विनोद चौधरी ने अधिशांसी अभियंता राकेश गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, विपिन गुप्ता, राम गोपाल शर्मा, इनकी अगुवाई में एक कमेटी भी गठित की गई है जो चयनित एलडीसी को काउंसलिंग करके उनको पद स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बाकी डिपार्टमेंट में जॉइनिंग के आदेश हो गए हैं, इसलिए आपको भी जल्द ही जून के महीने के पहले सप्ताह में आपको जॉइनिंग मिल जाएगी और आपका कार्य लगातार चल रहा है। हमारा ये वीडियो बनाने का था, सुबह से कमेंट आ रहे थे कि सर क्या अपडेट है शिक्षा विभाग, और कल शिक्षा मंत्री जी ने भी मीटिंग ली थी और जल्द ही शिक्षा विभाग में जो एलडीसी के पद हैं उनको जल्द ही जॉइनिंग दे दी जाएगी। और बात रही 587 पदों की, तो दोस्तों 587 पदों की कल जो सुनवाई थी वो सुनवाई में बोर्ड की ओर से कोई भी वकील या कोई भी अधिकारी नहीं आने से वो दर्ज हो गया है। अब वापस उनके पास नोटिस जाएंगे,
और उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अगर वो जवाब नहीं देते तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द 587 पदों पर ज्वाइनिंग देने के कोर्ट आदेश देगी। अब दोस्तों, किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखो। अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, मिलते हैं जल्दी ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद।